एक्सेलेंट हैंड है, हंट स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो SM मेमोरियल वेलफेयर एंड एजुकेशनल पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा जो संचालित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसका आज एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत ही बेहतर ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम संपन्न हो रहा है। आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे, एक बेंच पर दो बच्चे, तीन बच्चों का बैठने का जगह किया गया है। एकदम शांतिपूर्ण ढंग से रोल नंबर वाइज रोल नंबर सबका चिपका हुआ है ना। सेकंड सीटिंग वाले बच्चों को रोल नंबर नीचे है, फर्स्ट सीटिंग वाले का ऊपर है। ये दे रहे हैं पेपर, और इस प्रकार से बच्चे, कोई क्राउड नहीं है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से बैठाया गया है। पर्याप्त मात्रा में बच्चों को बैठने के लिए बेंच और कुर्सी वगैरह का व्यवस्था किया गया है, फर्नीचर का व्यवस्था किया गया है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ प्रत्येक क्लास में किस प्रकार से बच्चे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी लोग देख रहे हैं। और इसका रिजल्ट आपको 15 तारीख को अनाउंस किया जाएगा, 15 अप्रैल 2023 SM मेमोरियल स्कूल का स्थापना दिवस है। इसी दिन से विद्यालय को शुरू किया गया था, और ये सेकंड फ्लोर पर भी बच्चों का बैठने का इस तरह का व्यवस्था है। हमारे यहाँ एक टर्म में जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं, कोई हो हल्ला नहीं है, सभी बच्चे अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से टीचर्स सभी यहाँ पे बच्चों को एग्ज़ाम लेते हुए, या प्रतियोगिता परीक्षा फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के करवाया गया था, जिसमें प्रत्येक क्लास के बच्चों को, ये दूसरा क्लास तीसरा क्लास है ना, टीचर्स यहाँ पे बच्चों को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम कराते हुए, इस तरह का व्यवस्था, एग्ज़ाम आपने इतना अच्छा मैनेजमेंट व्यवस्था, बच्चों को बैठने का व्यवस्था के साथ आपने नहीं देखा होगा, और अगर हुआ भी होगा तो अच्छी बात है। और सभी बच्चे बहुत अच्छे ढंग से एग्ज़ाम देते हुए सर लोग यहाँ पर हैं। मैं बता रहा था कि ये एग्ज़ाम में 1 क्लास से 10th क्लास के बच्चों को करवाया गया है डुमरिया में। इस एग्ज़ाम के माध्यम से फर्स्ट सेकेंड थर्ड को तो पुरस्कृत किया ही जाएगा, टॉप 30 स्टूडेंट को हम लोग मेडल और संतावना पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे 90% से 100 के बीच में रहेंगे, उनको SM मेमोरियल स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देगी, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी क्लास में पढ़ते हों। ये सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी बात है कि 80% से 90% तक जो नंबर लाएंगे, उनको 75% फी ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर भी बच्चे एग्ज़ाम देते हुए, हम उधर से इधर क्लास में आ गए, सभी जगह इसी प्रकार से व्यवस्था किया गया है यहाँ पे SM मेमोरियल स्कूल में। 20 कमरों में संचालित है यह विद्यालय। सभी 1000 से ऊपर बच्चों को बैठने का यहाँ पे व्यवस्था है। आप सब देख सकते हैं सभी क्लास में टीचर कितने शांतिपूर्ण ढंग से 1 से 5 क्लास के बच्चों को एग्ज़ाम लेते हुए। यहाँ पर भी मैम हैं, एग्ज़ाम बच्चियाँ दे रही हैं, बहुत अच्छे बच्चे और बच्चियाँ शांतिपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम देते हुए। और इसके बाद 6 क्लास से ऊपर का जो है, वो सेकंड सीटिंग में है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि इस एग्ज़ाम में 80% से 90% जो मार्क्स लाएंगे, उनको 70% फी माफ़ किया जाएगा। यहाँ पर भी आप दूसरे क्लास में देख रहे हैं, सभी क्लास में ऐसी ही व्यवस्था है, एक बेंच पर दो बच्चों का बैठने का व्यवस्था, और ये शिक्षा के बच्चों से अटेंडेंस बनवाते हुए, ठीक है, चलिए पूनम कुमारी। अटेंडेंस बनवाते हुए, और सभी बच्चे हम शांतिपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम दे रहे हैं। दूसरे क्लास में हम आपको दिखाते हैं, ये आपका यहाँ पे भी क्लास चल रहा है, यहाँ भी बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने पहले ही बताया कि यह विद्यालय में 20 कमरा में संचालित होता है,
1000 से ऊपर बच्चों को बैठने का व्यवस्था है। और साथ ही साथ है, हमने 80% से बोला था 90% तक नंबर जो लाते हैं बच्चे उनको 70% फी माफ़ किया जाएगा, और जो स्टूडेंट 70 to 80 लाएंगे उनको 50% फी लेस रहेगा, और जो 60 से 70 रहेंगे उनका 25% फी लेस रहेगा स्कूल फीस। यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एस एम मेमोरियल स्कूल इमामगंज विधानसभा में संचालित डुमरिया अंतर्गत अपना बहुत ही बड़ा योगदान गरीब सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों के लिए कर रही है। और 50 मार्क्स से ऊपर लाने वाले बच्चों को स्पेशल सुपर 30 बैच में बैठने का पढ़ने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे यहाँ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास है, और यहाँ पर भी शिक्षक बच्चों को एग्ज़ाम करवाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी दिखाता हूँ। इस प्रकार से हमारे पास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी इस समय 1 से 5 तक के बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, एक क्लास यहाँ पर भी है, यहाँ भी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम होते हुआ संपन्न होते हुए, अब इसके बाद सेकंड सिटिंग आपका 6 बजे 6th क्लास से 10th क्लास तक का अगला 1 बजे से है। तो इसका विद्यालय का स्थापना से लेकर अभी तक हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, विद्यालय के निदेशक शिक्षाविद इंजीनियर मुकुल कुमार तत्पर हैं लगातार डुमरिया में जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, IIT नीट जैसे एग्ज़ाम में बच्चे क्वालिफाई करें, IAS IPS बने, इसके लगातार तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।